चाहे खनिज हो चाहे खनन हो चाहे दवाई हो चाहे एक्सप्रेस वे हो ये तमाम जो सो so कॉल्ड विकास के मुद्दे हैं इसमें गुजराती टीम कैसे शामिल हो रही है गुरेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार में गुजराती जो लोग हैं उनका एक अच्छा खासा ठेकेदार यहाँ बैठा हुआ है जो इस प्रदेश की सरकार का डिप्टी सीएम है तो अगर ऐसा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि डिप्टी सीएम तो पल्लवी जी दो दो हैं किसकी बात कर रहे हैं देखिए मैं किसकी तरफ इशारा कर रही हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है और मैं मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं कि ये जो काम चल रहा है ये उनकी देख में चल रहा है और एक्चुअली बोल सकते हैं कि गुजरात से उनके ऊपर कृपा आती है सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी ने महंगाई भ्रष्टाचार लॉ एंड ऑर्डर जैसे विषयों पर पैदल मार्च का आयोजन किया और इस पैदल मार्च में समाजवादी पार्टी आज मानसून सत्र के पहले दिन की सदन कार्रवाई में शिरकत नहीं कर पाई लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन में शामिल है अपना दल उनकी पल्लवी पटेल इस पूरी कार्य प्रणाली में शामिल हुई थी विधानसभा के आज पहले दिन में सत्र में उनसे बात करेंगे पल्लवी जी से आज आपकी जो समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन दल है वो आज सड़कों पर उतरा था सदन में नहीं पहुंच पाया कैसे देखते देखिए पहले तो जो ये मॉनसून सत्र घोषित हुआ है बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए है तो ऐसे में मैं आज सदन के पहले दिन उपस्थित थी और मेरा ये मानना था कि आज मैं सदन को इस बात पर घेरूंगी कि उत्तर प्रदेश में एक प्लैंड तरीके से लूट क्यों चल रही है अगर हम लोग गौर से देखें तो चाहे खनिज हो चाहे खनन हो चाहे दवाई हो चाहे एक्सप्रेस वे हों ये तमाम जो सो कॉल्ड विकास के मुद्दे हैं इसमें गुजराती टीम कैसे शामिल हो रही है अगर ऐसा है तो उत्तर गुजराती टीम मतलब अगर ऐसा है तो जो उत्तर प्रदेश के उद्यमी हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं वो कहां से अपने लिए कुछ पैदा कर पाएंगे उनकी हकमारी क्यों हो रही है मैंने गुजराती टीम इसलिए बोली क्योंकि अगर आप देखें तो तमाम चीजें तमाम टेंडर हो चाहे एक्सप्रेस का हो चाहे दवाई सप्लाई का हो चाहे खनिज का हो ये सब गुजराती लोगों को मिल रहा है और कहने में कतई गुरेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार में गुजराती जो लोग हैं उनका एक अच्छा खासा ठेकेदार यहाँ बैठा हुआ है जो इस प्रदेश की सरकार का डिप्टी सी है तो अगर ऐसा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि डिप्टी सीएम तो पल्लवी जी दो दो हैं किसकी बात कर रही हैं देखिए मैं किसकी तरफ इशारा कर रही हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है और मैं मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं कि ये जो काम चल रहा है ये उनकी देखरेख में चल रहा है और एक्चुअली बोल सकते हैं कि गुजरात से उनके ऊपर कृपा आती है लेकिन मेरा सवाल सदन में आज ये होना था और मुझे सरकार को इस बात पे घेरना है कि हमारे प्रदेश के संसाधन साधनों की हकमारी क्यों गुजराती लोग करें ये सब हमारे प्रदेश के उद्यमियों को होना चाहिए नौजवानों को होना चाहिए बेरोजगारों को मिलना चाहिए आप कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम एक वो संरक्षण दे रहे हैं तो दो डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य आप सीधे से जब आरोप लगा रही हैं तो सीधा आरोप किसके ऊपर है देखिए निसंदेह दो डिप्टी सीएम हैं लेकिन एक डिप्टी सीएम जो है उनके पास ये विभाग ही नहीं है जिनके बारे में मैंने बात की मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमारी हकमारी नहीं होनी चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता ने मुझे सदन में भेजा है और उत्तर प्रदेश के पच्चीस करोड़ लोगों की बात मैं ज़रूर सदन में, में उठाऊंगी एक सवाल कानून व्यवस्था को लेकर के भी था आज समाजवादी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के घेर रही है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार तो लॉ एंड ऑर्डर को ही अपनी उपलब्धि बताती है NCRB के आंकड़े भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ है देखिए समाजवादी पार्टी जो मुद्दे लेके चल रही है वो उनके मुद्दे हैं मेरे मुद्दे जो हैं वो इस देश में और इस प्रदेश में परिभाषित जो विकास के मुद्दे हैं और उसमें हमारे देश को आगे ले जाने वाले जो समाज है जो बहुसंख्यक समाज है उसकी हकमारी ना हो ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है इस बार विधानसभा सत्र में आपके जो पुराने साथी थे ओम प्रकाश राजभर वो तो अलग थलग हो गए वो आपके विरोध में ही एक तरीके से खड़े हो गए तो लगता है कि विपक्ष की आवाज़ कुछ कमजोर हुई इस बार सत्र में देखिए मुझे लगता है कि विपक्ष की आवाज़ मुद्दों से बनती है ना कि संख्या से अगर हम ऐसे मुद्दे जो जनहित के हैं और जो प्रदेश को आगे ले जाने के लिए महत्वपूर्ण है अगर मुद्दों को हम उठा पाएंगे तो निसंदेह विपक्ष में अगर अकेला व्यक्ति भी खड़ा है तो उसकी आवाज़ मायने रखती है पल्ली जी अब बात अगर 2024 के चुनाव की कर लें तो क्या आप 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार अगर पीएम कैंडिडेट विपक्ष की तरफ से सारा जो यूपीए का है जो वो लोग होते हैं तो क्या समर्थन होगा देखिए मेरा ये मानना है कि मैं विपक्ष में हूँ और इस प्रदेश इस देश के जनहित के हर मुद्दे को मुझे उठाना है और अगर मैं जिन लोगों के साथ गठबंधन में हूँ मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे ऐसा आदेश देती हैं कि हमें उस गठबंधन चलते हुए माननीय नीतीश जी का साथ देना है समर्थन देना है तो बिल्कुल मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ ये हमारे साथ अपना दल से विधायक पल्लवी पटेल जिनका सीधे से कहना है कि 2024 में जो गठबंधन का धर्म कहेगा जो पार्टी के अध्यक्ष कहेंगी वो उसके हिसाब से निर्णय लेंगे लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को इस मानसून सत्र में पल्लवी पटेल समेत तमाम विपक्षी दल एक लामबंद हैं सरकार को घेरने के लिए वो फिर चाहे मुद्दा बेरोजगारी का हो या महिला सुरक्षा का हो या फिर अपराध का कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार यूपी तक